आज हम आए हैं जापानीज गार्डन घूमने, तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। एक्चुअली जापानीज गार्डन जो है वो सेंटेनियल हॉल रोसलो के बगल में ही है, तो पहले ये देख लीजिए, उसके बाद जापानीज गार्डन भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे ये लीव्स कलरफुल लग रहे हैं, पूरा रेड कलर फ्लावर्स भी हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए इसका पूरा व्यू कितना सुंदर है, और ये सामने देखिए कितने अच्छे से सजा के डेकोरेट किया है। मैं पास जाके भी दिखाती हूँ, अंदर से तो वो बहुत सुंदर दिखता है। इसके अंदर से बहुत अच्छा दिखता है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और जापानीज गार्डन जाने के लिए ये रास्ते में ही जाना पड़ेगा, सीधा जाके लेफ्ट साइड में वो जापानीज गार्डन है। और यहाँ पे एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है जो एवरी 1 आवर में स्टार्ट होता है, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के लिए। ये देखिए ये वो है, लेकिन अभी लाइट नहीं जल रहा है, मॉर्निंग टाइम है इसलिए, बट नाइट में विथ लाइट ये बहुत सुंदर लगता है। और अब हम चलते हैं जापानीज गार्डन। ये है टिकट एडल्ट के लिए 15 PLN, अगर अर्बन कार्ड है तो 12 PLN। और ये उसका एंट्री है, देखिए चारों तरफ कितने ग्रीनरी है, बहुत सुंदर प्लेस है, ज़रूर विजिट करना ये प्लेस को। अभी तो सिर्फ ग्रीनरी है, लेकिन अगर आप फॉल के टाइम या स्प्रिंग के टाइम आएंगे तो पूरा कलरफुल लगेगा ये गार्डन, तो तब बहुत अच्छा दिखेगा। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे तो टूरिस्ट आने का टाइम है। और ये देखिए ये तो इतना ब्यूटीफुल है, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब मोबाइल से तो कैप्चर नहीं कर सकते, कैमरा से कैप्चर नहीं कर सकते, ये अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तभी पता चलेगा इसका ब्यूटी। ये देखिए एक अलग टाइप का फ्लावर है जो पोलैंड में बहुत जगह मैं देखी हूँ, इंडिया में कहाँ मिलता है मुझे पता नहीं है, है या नहीं। यहाँ पे एक झरना भी है, मतलब आर्टिफिशियल लाइक मैन मेड है। और ये छोटा सा पॉन्ड जिसमें कलरफुल फिश भी हैं, तो ये देखिए हमारे हीरो को जापानीज गार्डन आके वो भी जापानीज स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। वाव, सो ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ आने के बाद ना मन में एक सुकून सा लगता है कि इतने भीड़ भाड़ में टाउन के अंदर अगर ऐसा प्लेस मिले जहाँ पे आप आके थोड़ा टाइम बैठ सकते हो, तो और क्या चाहिए लाइफ में।
तो सडनली बारिश शुरू हो गया, तो हम चले आए यहाँ पे, आके देखे तो ये फिर से स्टार्ट हो गया था। तो ये पास से दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और नाइट टाइम ज़रूर आइएगा, क्योंकि विथ लाइट ये इतना ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ से हम जाएंगे एक फेमस आइसक्रीम पार्लर, तो ये भी वो पास में ही है, और ये रोसलो का फेमस आइसक्रीम पार्लर है। यहाँ आके मैंगो वाला ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो तो आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी वीडियो डालूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।